ओम शांति। क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना सही है? देखिए, ये लाइन हर औरत को अपने जीवन काल में कभी ना कभी सुनने को जरूर मिली होगी कि मासिक धर्म है, आप पूजा पाठ से दूर रहें। मोस्टली मुझसे बहुत सी कम उम्र की लड़कियां भी ये सवाल करती हैं कि ऐसा क्या है जो हमें मासिक धर्म में हमें अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है और पूजा पाठ से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए इसी पर अब एक चर्चा करते हैं। देखिए, ये परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के लिए उसने औरत का सहारा लिया और उसे इस मासिक और हर औरत को इस मासिक चक्र से गुजरना पड़ता है। तो जो मासिक चक्र परमात्मा ने बनाया है वो आज भी अगर आप खुले दिमाग से सोचें तो आपको समझ में आएगा कि ये मासिक चक्र सृष्टिकर्ता ने बनाया है तो ये खराब कैसे हो सकता है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, आप उससे इसका अंदाज़ा लगाइएगा। कहते हैं एक बार एक अंधे आदमी की शादी, जिसे दिखाई नहीं देता था, ऐसी लड़की से हो गई जिसे दिखाई नहीं देता था। यानी दोनों अंधे थे, दोनों को दिखाई नहीं देता था। इन दोनों की जब शादी हुई तो अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब ये औरत खाना बनाती थी तो वहाँ कोई ना कोई जानवर आता था, इसका खाना, इसकी रोटी जो है वो उठाकर ले जाता था। अब इन्हें समझ नहीं आता था जो हमने खाना बनाया, जो हमने रोटी बनाई है वो कहाँ चली गई। इतने में किसी ने इन्हें बताया कि जब तुम रोटी बनाकर रखते हो तो वो रोटी कुत्ता या बिल्ली उठाकर ले जाते हैं। तब इस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अब जब तुम खाना बनाओगी तो मैं एक लाठी लेकर दरवाजे पे बैठ जाऊंगा और उस लाठी से मैं दरवाज़ा पीटना शुरू कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जितनी देर तुम रोटी बनाओगी वहाँ कोई जानवर आएगा तो वो दरवाजे इस लाठी की आवाज़ से डर के वहाँ से भाग जाएगा और हमारा खाना सेफ हो जाएगा। इन लोगों ने ये जुगत बनाई थी और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। जब वो औरत खाना बनाने बैठी, ये आदमी दरवाजे की चौखट पर लाठी लेकर बैठ गया और वहीं लाठी को से आवाज़ करना शुरू कर दिया। अब ये तरीका इन्होंने रोज अपनाना शुरू कर दिया और इससे इनका खाना भी बचना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद इनके घर में एक औलाद पैदा हुई, इनका बेटा पैदा हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि जब इन दोनों की मृत्यु हो गई और ये लड़का जो है इसकी भी शादी हो गई। जब शादी हुई तो जब इसकी बीवी रोटी बनाने के लिए बैठी तो इस लड़के ने ये दरवाजे पे लाठी लेकर बैठ गया और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। वो दोनों तो अंधे थे लेकिन ये दोनों आँख वाले। अब इस औरत ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? तो इस लड़के ने बोला, ये हमारे घर की परंपरा है कि जब हमारे घर में औरत रोटी बनाती है तो मर्द दरवाज़ा पीटता है। और इस परंपरा को हमारे पिता ने भी किया है और अब मेरी औलाद भी करेगी। और इस तरह ये परंपरा चल पड़ी। उसके बाद उसका बेटा सेम चीज़ करने लगा, उसका बेटा सेम चीज़ करने लगा। जो एक अंधे लोगों ने शुरू की थी अपनी सेफ्टी के लिए, वो तो अंधे थे इसलिए उन्होंने किया। आप तो आँख वाले हैं, आप तो देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपना दिमाग खोल कर सोचें कि जो जब भी मासिक धर्म आता है मासिक, तो उस टाइम पे खाना नहीं छोड़ा जाता, नहाना नहीं छोड़ा जाता, कोई काम नहीं छोड़ा जाता, पढ़ाई लिखाई टीवी मनोरंजन सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ पूजा पाठ ही क्यों छोड़ी जाती है? क्या भगवान अपवित्र हो जाते हैं? और आपको एक बात बता दूं कि जो भगवान अपवित्र हो जाते हैं वो भगवान ही नहीं हैं। इसके पीछे पुराने समय में भी कोई लॉजिक रहा होगा जिसकी वजह से मासिक धर्म के दौरान औरत को पूजा पाठ में नहीं शामिल किया जाता था। लेकिन आज के समय में सब साफ सुथरा है, सब अच्छा है। उस टाइम इतने साधन नहीं थे, उस
टाइम अगर कहीं ब्लड की खुशबू आती थी, स्मेल आती थी, तो कोई ना कोई जानवर आ जाता था। इसलिए शायद इन चीज़ों के लिए मना किया गया हो। उस टाइम साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज साफ सफाई का ध्यान है। आप अपने आप को साफ सुथरा करें और पूजा पाठ में बिल्कुल शामिल हों। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि किसी को मासिक धर्म के समय में पूजा पाठ में शामिल होना है या नहीं होना है, ये उसकी अपनी बुद्धि, अपनी सोच, यानी अपना व्यक्तिगत विचार होना चाहिए। अगर उसका मन राजी है तो वो ज़रूर इसमें शामिल पूजा पाठ करे, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अगर किसी का मन, बुद्धि, विचार नहीं मानते तो वो बेशक ना शामिल हों। इस चीज़ के लिए ग्रंथों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि मासिक धर्म चल रहा है तो औरत को दूर हो जाना चाहिए पूजा पाठ से। पूजा पाठ अपने आप में हर इंसान को पवित्र कर देती है। पूजा पाठ, अगर आप साफ सुथरा होकर पूजा पाठ करते हैं तो मासिक धर्म के दौरान भी पूजा पाठ करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप इस अंधविश्वास को आगे ना बढ़ाएं, इसे यहीं समाप्त करें। औरतें हमेशा पवित्र हैं और उन जैसा पवित्र कोई भी नहीं है, मर्द भी नहीं। मर्द अपवित्र नहीं होते, औरत क्यों अपवित्र होती है, ये आज भी मुझे समझ नहीं आता। और औरतों को अपवित्र कहने वाले ये मर्द ही हैं जिन्होंने ये कानून बना दिए कि औरत को ऐसा होना चाहिए, औरत को वैसा होना चाहिए। वो इसलिए किया गया था पुराने समय में कि औरत जो है उसको दबा कर रखा जाए। लेकिन आज की नारी जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानती और ना ही इन चीज़ों की कोई वैल्यू है। आप कभी गुरुद्वारे जाएं तो वहाँ किसी तरह की इस तरह की रोक टोक नहीं है। आप चर्च जाएं, कहीं नहीं है। सिर्फ पंडित समाज या हिंदू धर्म ही इस चीज़ के लिए क्यों रोक टोक करता है। मुस्लिम समाज में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रोक टोक होगी, ना मेरे देखने सुनने में अभी तक आई है, ना ईसाई समाज में ऐसा होगा। आप आराम से अपनी पूजा पाठ करें, भगवान सबके हैं और भगवान की पूजा पाठ करने से अपवित्र लोग पवित्र हो जाते हैं। हमारे अपवित्र कर्म जो इतने गंदे हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो पवित्र हो जाते हैं। तो एक छोटा सा मासिक धर्म क्या भगवान को अपवित्र कर देगा।